जय भैरव बाबा की। भगवान श्री राम लंका पर विजय पाने के लिए निकले तो समुद्र के किनारे उन्होंने शिव पूजन किया था और इस शिव पूजन के लिए उन्होंने शिवलिंग खुद बनाया था। माता पार्वती ने भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए खुद अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। शनिदेव जी ने भी काशी में शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा की थी ताकि उन्हें अपने पिता सूर्य देव की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त हो। इस तरह शिवलिंग बनाकर आप भी पूजा कर सकते हैं। आप खुद पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग पृथ्वी का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, इस पार्थिव शिवलिंग को बनाकर पूजा करने से क्या होगा, इसका क्या फल मिलता है, इसका महत्व क्या है, ये सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपको अपनी जन्मतिथि एवं जन्म का समय याद नहीं है तो हस्त विज्ञान के द्वारा जाने अपने जन्म का समय, बनवाएं शुद्ध जन्म पत्रिका, जाने कौन सा रत्न आपका भाग्य पलट सकता है। शुद्ध पवित्र उपायों से अपने जीवन की सभी बाधाएं दूर करवाने के लिए संपर्क करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबा दें। वास्तव में खुद शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना अति उत्तम माना गया है और कलयुग में तो ये सर्वोत्तम है। फिर सावन मास में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मतलब सावन के महीने में अगर आप खुद शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करते हैं तो आपको कई गुना अधिक फल मिलता है। शिव पुराण में बताया गया है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से बहुत से शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब इसका महत्व में सुनिए। श्री राम जी ने जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिव जी की पूजा की तो उन्हें शिव भगत रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। माता पार्वती ने जब अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की पूजा की तो उन्हें खुद शिवपति रूप में मिले थे। शनिदेव जी ने जब काशी में खुद पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तो उन्हें अपने पिता सूर्य देव से भी अधिक शक्ति प्राप्त हुई। अब आप सुनिए हमें इससे क्या फल मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा से करोड़ों युगों का फल मिलता है। इससे मिलता है धन धान्य, सुख समृद्धि, संपन्नता और सभी कष्टों से मुक्ति। पार्थिव शिवलिंग की श्रद्धापूर्वक किए गए पूजन से सुपुत्र की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है वो 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। सरल भाषा में कल्प का मतलब बताऊं तो 1,000 चतुर्युगों का एक कल्प होता है। इस विषय में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग के पूजन से जीवन के सभी दुखों दूर हो जाते हैं। कुल मिलाकर सभी शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति आपको मिल जाती है, आरोग्य प्राप्त होता है, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। अब अगर हर रोज पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाए तो क्या फल मिलता है, तो मिलेगी अखंड शिव भक्ति। फिर इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी शिव भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहा गया है कि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजन की शुरुआत कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने आरंभ की थी। तो ये हुआ पार्थिव शिवलिंग का महत्व है। अब पार्थिव शिवलिंग कैसे बना सकते हैं और उसकी पूजा की विधि क्या है, ये सब पूरे विस्तार से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पोस्ट हो गया होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। अगर मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भैरव बाबा की, जय भोलेनाथ। यदि आपको अपनी जन्मतिथि एवं जन्म का समय याद नहीं है तो हस्त विज्ञान के द्वारा जाने अपने जन्म का समय, बनवाएं शुद्ध जन्म पत्रिका, जाने कौन सा रत्न आपका भाग्य पलट सकता है, अपने नाम से करवाएं यंत्र सिद्धि, शुद्ध पवित्र उपायों से करवाएं अपने जीवन की सभी बाधाएं दूर, किसी भी ज्योतिषीय सलाह के लिए संपर्क करें ज्योतिषी प्रवीण भारती, महालक्ष्मी ज्योतिष रत्न केंद्र। हमारा फोन नंबर है 9773529116। वेबसाइट है www.astrologerparveenbharti.com। फेसबुक पेज है www.facebook.com/astrologerparveenbharti।